जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। अब जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की आई हुई संगत को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना। आज सवेरे सवेरे सोनिया आंटी का फोन आया कि अंकल आज आपने गुरु जी का सत्संग करना है। पहले तो रोहिणी में होते थे, हर हफ्ते कोई ना कोई सत्संग मिल जाता था, कर लेते थे। इस बार एक साल हो गया नोएडा में शिफ्ट हुए हमारे को, और ये सारी गुरु जी की कृपा से हम नोएडा पहुँचे हैं। और उनके हिसाब से गुरु जी ने इतना कुछ दिया है, हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। मैं वो नास्तिक इंसान था कि कभी किसी मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाता था, किसी को नमस्ते तक नहीं करता था। और जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं अपनी एक शुरुआत की घटना बताता हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ा। मेरा एक मकान था रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर, जो कि उसको गुरु जी के आशीर्वाद से वो बिल्डिंग बनाई थी, और उसके अंदर 6 महीने से कोई किराएदार नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। एक दिन मिसिज और मेरी बहुरानी ने कहा कि आज आप अपना खाना जो है वहाँ पे खा लेना। हमारे वहाँ पे चाचू थे ढाबे वाले, जिसके कहती वहाँ खा लेना, कहती हमने कहीं जाना है। और मेरे को नहीं पता था, वो उस दिन बड़े मंदिर चले गए। सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन छोड़ के मंगल बीच में हो गया। बुधवार वाले दिन मैं दुकान का शटर नीचे कर रहा था, तो एक प्रॉपर्टी डीलर आया, कहते हैं अंकल जी आपका जो है मकान किराए पे दिखाना है। और मैं वो मकान जो है 4,000 किराए पे भी देने को तैयार हो गया था, और इतने लोगों को दिखा दिखा के मैं परेशान हो गया था कि बस पूछो मत। उस दिन आधे मन से प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में मैंने चाबी पकड़ाई और कहा कि जाए उसको दिखा के आ जाओ। वो दिखा के आया, मैं शटर आधा नीचे करके बाहर खड़ा रहा, तो कहने लगा कि अंकल कितना किराया। मैंने कहा बेटे, जो मैं 4,000 को देने को तैयार बैठा था, मुंह से निकल आया 6,000 रुपये। अब गुरुजी की महिमा समझ लो, कुछ समझो। खैर, वो उस वक्त कह के बात आई गई होगी और मैं अपने घर आ गया। अगले दिन सवेरे घर से निकलते थोड़ा, वैसे मैं 9 बजे दुकान पहुंच जाता था, निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। वहाँ पहुँचा तो दो औरतें वहाँ खड़ी थी, कहती है रात को हम मकान देखने आए थे, तो वो उसके देखना चाहते हैं। अरे देख लो। उसके बाद उन्होंने कहा जी इसका पानी वगैरह मिलेगा, इसकी सफाई करनी है। मैंने कहा चलो, हर हफ्ते मैं काम वाली को पैसे दे के उसकी सफाई कराता था। वो बाल्टी और उसको मैंने दे दी, पानी चालू कर दिया। 10 मिनट बाद डीलर आया, कहता जी मैं अब 5,800 रुपया किराया दे रहा हूँ, अब इसमें बोलना मत। तो मैं कहाँ 4,000 देने की सोच रहा था, वहाँ 5,800 आ गए। दोपहर में मैं खाना खाने आया और अपनी आंटी को बोला कि मैंने कहा ऐसे ऐसे जो मकान नहीं चढ़ना था ना, तो वो चढ़ गया। तो कहती है एक बात बताऊँ, हम दोनों सास बहू सोमवार वाले दिन हम बड़े मंदिर गए थे, और वहाँ से सोमवार की जगह बुधवार नहीं हुआ, और बुधवार शाम को मतलब वो देखने आया, और वीरवार सवेरे किराए पे चढ़ भी गया, और उस वक्त मेरे को एग्रीमेंट भी हो गया और पैसे भी मिल गए। तो मैंने वहाँ देखा, कहती ऐसे ऐसे हम बड़े मंदिर गए थे गुरुजी के आश्रम में, वहाँ पे देखा। तो मैंने अपने नेट पे सारा सर्च किया, सब कुछ किया, मेरे को नींद नहीं आई। मैं कभी किसी को नमस्ते नहीं करता था, कोई दुकान के आगे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल रखते था उससे लड़ पड़ता था।
मैंने कहा चलो मैं जाके देखता हूँ। उस दिन हमने यहाँ से मेट्रो पकड़ी, शनिवार वाले दिन मेरी बिटिया भी आई हुई थी, बेटा भी था और मिसिज भी थी। हम कुतुब मेट्रो स्टेशन पर उतरे, वहाँ से पता लगा कि कोई शटल जाती है बड़े मंदिर के लिए। वहाँ पे पैर फिसला और दोनों घुटनों में चोट लग गई। और वहाँ से जो शटल सेवा आती थी वो बारिश की वजह से कोई ख़राब हो गई और नहीं आई, और रात के 8:30 बज गए। 8:30 बजने के बाद मैंने कहा नहीं मिलता, हम वापस चलते हैं। तो इतने में ही एक मिनी बस आ गई और वो हमें बड़े मंदिर लगी। उस दिन बारिश कहती है कि मैंने आज ही पढ़ना और किसी दिन नहीं पढ़ना। वो बारिश हो गई और हम बड़े मंदिर पहुँचे और वहाँ से लंगर प्रसाद किया। निकलते गए रात के 11 बज गए, तब तक मेट्रो वगैरह सारी बंद हो गई थी। वहाँ से भी रात को 11 बजे हमने कैब बुक करके रोहिणी वापस आ गए। और उसके बाद ये मई की बात है, उसके बाद हम जुलाई में, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे आता है, तो उस दिन मेरे को लूज मोशन वगैरह बहुत हालत ख़राब हो रखी थी। ऐसा हुआ कि बहू ने कहा कि पापा चलो, मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं। अचानक 12:30 बजे दुकान पे मेरे को धक्के लगने लगे और मैंने बहू को फ़ोन किया, मैंने कहा चल चलते हैं बड़े मंदिर। वहाँ उसको बोला, मैंने कहा तू कोहाट मेट्रो स्टेशन पे मिलियो, मैं और आंटी यहाँ से चलते हैं। छतरपुर पहुँचे, वहाँ रश ट्रैफिक इतना जाम कि पूछो मत। उस जाम के अंदर हम, एक अंकल आए और उनसे बोला तो हम तीनों उसके अंदर बैठ गए और वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गए। तब बाटी माइन के पास जाके हमारी गाड़ी को पार्किंग मिली। ये 2014 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद उस भीड़ में 3 बार वो अंकल हमसे बिछड़े, फिर वापस मिले और फिर वापसी उन्हीं अंकल के साथ वापस आए हैं। और वो अंकल आज भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। उनका देव अंकल नाम है और आज भी उनसे बात होती रहती है। इसके बाद कितने किस्से बताऊं इस गुरुजी के कि पूछो मत। उसके बाद 7 जुलाई के बाद 19 जुलाई 2014 मैं और आपके आंटी के साथ हमने कहा चल बड़े मंदिर चलते हैं। वहाँ से मेट्रो पकड़ी, बड़े मंदिर के दर्शन किए, सब कुछ किया। उसके बाद आगे दर्शन करके वापस आ रहे थे तो मेट्रो में बैठे छतरपुर से, मेरे को अपनी फोटोकॉपी मशीन अपग्रेड करानी थी और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके वो 80,000 से कम नहीं मांग रहा था और मेरी पुरानी मशीन के 10,000 बोल रहा था। पता नहीं क्या गुरुजी ने वो आशीर्वाद दिया कि उसको मैंने फ़ोन किया, वो कहता है हाँ जी मैं अपने ऑफिस बैठा हूँ। मैं रास्ते में राजीव चौक उतर के अपनी आंटी को बोला तू अपने घर चली जा, मैं ज़रा फोटोकॉपी वाली मशीन से बात करके आता हूँ। वहाँ से पकड़ के पहाड़गंज में उसकी ऑफिस थी, वहाँ से पूछा, कहता अंकल आप आए हो तो अब वापस नहीं जाने दूंगा। और कहता जब आपने इतने किए हैं ना तो वो मशीन मैं आपको 55,000 की दे दूंगा और पुरानी मशीन के आपके 23,000 दे दूँगी, जहाँ उसके 10,000 नहीं कह रहा था। तो उसके बाद कहता कि मैंने कहा मैं जेब में पैसे तो लाया नहीं, मैं तो मंदिर से होके आ रहा हूँ। तो उन्होंने ना कहा कोई बात नहीं, उसने वहीं टेम्पो बुलवाया और मशीन चाट के मेरे को दे दी और उसी टेम्पो में बैठ के मैं ले आया। और उसके बाद उसने उसकी किस्तें बना दी, 15,000 रुपये की थी और बाकी 12,000 की वो करके दी है। और वो मशीन 5 साल मैंने चलाई और उसमें सिर्फ इंक डालने के अलावा 5 पैसे नहीं खर्चे। ये गुरुजी के आशीर्वाद से उसके बाद जब भी कभी मिला कहता अंकल मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे मुँह से कैसे निकल गया और ये मशीन मैंने आपको कैसे दी। और कहता है जिस दिन आप वो मशीन लेके गए उसके 1 हफ्ते तक मेरी धड़ाधड़ हो गई, जो आपका नुकसान हुआ था वो मेरे को बाकी मशीनों को बेच के पूरा हो गया। मतलब गुरुजी ने मेरा तो फ़ायदा कराया कराया, साथ में उन अंकल का भी फ़ायदा करा दिया। कितने किस्से बताऊं गुरुजी के पूछो मत। उठते बैठते जब भी आते गुरुजी आते हैं। हमारे एक नरेश अंकल हैं जो शाहदरा में रहते हैं,
उनके घर सत्संग था। मैं घर से चला, अपना मोबाइल घर भूल गया, और आंटी का मोबाइल था जिसमें उनकी एड्रेस थी, सब कुछ था। शादरे पहुंच के ध्यान आया कि एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ से फिर मैंने अपनी बहू को फ़ोन किया, उन्होंने अंकल को एड्रेस मेरे को भेजा, उनसे बात की। जब हम शादरे उनके यहाँ गए तो मेरे को वहाँ पे जल प्रसाद की सेवा मिल गई। वहाँ से जल प्रसाद सेवा कर रहा था, उनका जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सत्संग था। ये 10 मई 2015 की बात है। वहाँ से सेवा करते करते सीढ़ियों के पास है, कोई नीचे पानी गिरा हुआ था और मेरा पैर फिसला, मेरे हाथ में जल प्रसाद की ट्रे थी और छूट गया, और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरता, कम से कम पहली मंजिल से 15-16 फीट की सीढ़ियाँ थी और मैं गिरता रहा। और मेरे को लास्ट मोमेंट पे किसी बाजू ने मेरी कंधे पकड़ लिए और मेरे पैर के आगे जो वॉश बेसिन के वो आगे हुक निकले होते हैं वो टूटे पड़े हुए थे, और किसी ने मेरे को रोक लिया। और एकदम मैं घबरा के उठा और सारी संगत उठ के देखने लगी क्या हुआ। मैं नीचे बैठा, मैंने कहा मेरे को जल प्रसाद दो और मैं अब घर जाऊंगा। तो ऊपर उड़ के विजय मल्होत्रा अंकल वो सत्संग कर रहे थे, उन्होंने उठा के मेरे को लिया, कहते बैठ जा गुरुजी के पास। वहाँ बैठा, आंटी को आवाज़ें मारूं, आंटी ने बिल्कुल नहीं सुनी। उसी जगह पे एकदम सुन होके बैठा हुआ और वहाँ पे पूरा सत्संग सुनाया। और मेरे पीठ के ऊपर एक खरोंच नहीं, कहीं कोई दाग नहीं, कोई चोट का निशान नहीं। और अगले दिन मैं सवेरे दुकान पे भी आया हूँ और सारे काम किए। ऐसी है महिमा हमारे गुरुजी की। अभी कोरोना के टाइम की बात है, मेरी बहू श्रुति जो एक मेडिकल लाइन में काम करती थी वो कोरोना में वहाँ जाती थी, तो उसके ऑफिस में 1 जून की बात है, वो आई ऑफिस से आने के बाद कहती है मेरे को बुखार है। पास के डॉक्टरों ने बोला एक दिन आता था एक दिन जाता था, एक दिन आता था एक दिन जाता था बुखार। और उसके बाद जब मैंने कहा ऐसा बेटा इसकी कोरोना की टेस्ट करा ले, 6 तारीख को वो गई है वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, ग्रेटर नोएडा जिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको एडमिट किया और वहाँ पे उन्होंने 3 दिन क्वारंटाइन में रखा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव थी। हमारे पूरे परिवार के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद वो वहाँ 20 दिन रही है और बिल्कुल एकदम स्वस्थ होके घर वापस आई है, वो भी गुरुजी की कृपा से। और क्या बताऊँ मैं इस गुरुजी की महिमा का, जितना कहो उतना कम है। अब आ रही है श्रुति आंटी, आपको अपने बारे में बताएगी। आ जा बेटे, आ जा, आ जा, आ जा। जो वहाँ से होके आई है, आप संगत भी उसको आशीर्वाद दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर समय अंग संग रहने का आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना। हमारे पास शब्द नहीं है कि जो हम आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन शुक्राना करते करते हमारी सांसें चलती रहें। आप हर सांस में हमारे साथ हैं, हर सांस में हमारे साथ हैं। आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरी जर्नी तो गुरुजी के साथ 19 मई 2014 को शुरू हुई थी। हमें किसी ने बताया गुरुजी के बारे में। मेरे पास एक्चुअली बेबी नहीं है, मेरी शादी को अराउंड 10 ईयर्स हो गए हैं, तो जिसने मुझे बताया तो सबसे पहले मुझे उसी रिगार्डिंग कहा था और मैं विश्वास करके गई भी। बेबी मेरे पास आज भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी गुरुजी ने हमें इतना दिया है, हमारी औकात से बढ़कर दिया है, जिसके लिए मैं उनका हर पल शुक्राना करती हूँ। अब मैंने मन भी पक्का कर लिया है कि अगर बेबी नहीं भी है तो शायद उसमें मेरा भला ही होगा, कुछ हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा, किसी और बच्चे का उन्होंने हमसे भला करवाना होगा, इसीलिए आज तक हमें नहीं दिया है। बाकी उनकी हम पर हमेशा बहुत कृपा रही है, हम जो मांगते हैं हमें वो मिलता है, उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। हम रोहिणी में रहते थे, इतने साल हो गए थे मम्मी और को वहाँ रहते हुए, 25 साल हो गए थे अराउंड। अचानक ही ऐसे ही मन में आया कि घर अब थोड़ा छोटा लगता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और जबकि बड़े लोगों के लिए अपना पुराना घर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पापा ने एफर्ट किए।
आते थे नोएडा घर देखने, और इतना अच्छा घर हमें गुरुजी ने दिया है, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आज जिस घर में हम बैठे हैं उसमें भी गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मैं यहाँ आई, मुझे बहुत डर था, मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ, उनकी कृपा से मुझे जॉब भी मिल गई, लेकिन इस समय भी कोरोना के कारण मेरी जॉब चली गई है, इनफैक्ट मैंने खुद ही छोड़ी है, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है आने वाले टाइम में वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देंगे। इतना मैं उनके ऊपर विश्वास रख के चल रही हूँ कि अगर मेरी एक जॉब गई है तो दूसरी मिल ही जाएगी, चाहे अभी नहीं 4 महीने बाद सही। मैं आपसे सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपने कोरोना का, सच में मतलब मैं बता नहीं सकती गुरु जी की कितनी कृपा रही है। कोरोना का नाम ही इतना बुरा है कि लोग सुनकर ही डर जाते हैं कि कोरोना है। हमने शुरू में रिश्तेदारों तक को नहीं बताया डर के मारे कि वो भी पैनिक में आ जाएंगे। 1 जून की बात है, मुझे फीवर आया, मैं ऑफिस से आई थी, आकर डेली बात लेती थी और मुझे फीवर लगा। मेरे को लगा शायद मौसम के कारण होगा, इवनिंग में उससे पहले दिन बहुत बारिश पड़ी थी। मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इमीडिएट डॉक्टर के पास चली गई, मैंने उनसे बोला, वो कहता नहीं कोरोना कोई डर नहीं है, वायरल चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, हमने अपनी मेडिसिन ली। सेकेंड डे मेरा फीवर और बढ़ गया, फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमने तब भी पूछा टेस्ट करवाना है तो आप बताइए, तो उन्होंने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वायरल है और मैं टाइफाइड का करवा दूंगा। हमने बोला ठीक है। थर्ड डे अगेन हम गए, उन्होंने एक एंटीबायोटिक और ऐड कर दिया, हम आ गए, लेकिन मैं एक भैया के टच में थी, उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेशर किया कि श्रुति तुम टेस्ट करवा लो, और मुझे भी लगा कि मेरे इन लॉज साथ में हैं तो मैं अपनी नहीं, मैं उनकी सेफ्टी के लिए एटलीस्ट ये स्टेप उठा लेती हूँ, तो मैंने सोचा मैं टेस्ट करवाऊँगी। फिर क्या हुआ, 4th डे अचानक मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया, तो मेरे को लगा ये तो ठीक ही हो गया। 5th डे भी मुझे फीवर नहीं आया, तो मैंने कहा अब तो चलो ठीक ही हो गया तो अब क्या करवाऊँ, लेकिन 5th डे अचानक रात में मुझे फीवर आ गया। तो 6 को मैंने सीधा सबसे पहले आरोग्य सेतु को जैसे अपडेट किया, डॉक्टर से कांटेक्ट किया, तो मेरा इवनिंग में टेस्ट होना था, लेकिन मैं खुद नहीं जानती मेरे अंदर कौन सी हिम्मत आ गई थी, मुझे अकेले एम्बुलेंस में जाना था टेस्ट के लिए, 3 दिन बिल्कुल अकेले रहना था एक जगह पे, लेकिन इतनी हिम्मत गुरुजी ने मेरे अंदर भर दी, ना मैं डर रही थी ना कुछ, इनफैक्ट सारे डर रहे थे लेकिन मेरे अंदर से सारा डर ख़त्म हो गया था और सिर्फ हिम्मत ही हिम्मत भर गई थी। मैं नहीं जानती उस समय कौन सी शक्ति मेरे अंदर आ गई थी। मैं टेस्ट के लिए गई, 3 दिन मेरे को क्वारंटाइन होना पड़ा, और जिस दिन मेरी रिपोर्ट आनी थी मैं 3 दिन वहाँ बिल्कुल सो नहीं पाई, लेकिन जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई उससे आधा घंटा पहले ही मेरी नींद लगी, और उसी में मुझे एक ड्रीम आया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो जैसे ही मैं उठी और एकदम रिसेप्शन से कॉल आया, मैं होटल में एक्चुअली क्वारंटाइन थी, तो उन्होंने बोला मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मुझे लगा कि मुझे तो गुरुजी ने पहले ही आदेश दे दिया है कि तेरी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आनी है। तो मैं बिल्कुल नहीं रोई, इनफैक्ट मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसा हो गया है और अभी मुझे पैकिंग करनी है और एम्बुलेंस लेने आ रही है, तो आप अभी घर पर मत बताइएगा, और गुरुजी ने मुझे शक्ति दी हुई है तो मेरे अंदर हिम्मत है, मतलब मैं परेशान नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को फेस करूँगी, गुरुजी ने ये दिया है मुझे तो वो खुद ही बाहर निकालेंगे। वहाँ से मैं अपना हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लेकिन जो फैसिलिटी और जो चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा था हर समय गुरुजी का हाथ मेरे सर के ऊपर था। कोरोना में लोगों को हम सुनते हैं स्मेल चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, वीकनेस आ जाती है, ये हो जाता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं एक लंग्स की भी पेशेंट हूँ, मुझे ब्रीथिंग का दिक्कत रहता है, लेकिन मैं हर समय वहाँ जब भी मुझे टाइम मिलता था मंत्र जाप करती थी, पापा से मैं सत्संग फ़ोन पे मंगवाती थी, मैं वो चला के सुनती थी, तो मुझे इतनी शक्ति मिलती रहती थी। वहाँ जाने के बाद मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, लेकिन मेरे को कोई दुख नहीं होता था, मैं कहती थी गुरुजी ने ये दिया है समय और ये वो ही निकालेंगे, वो ही काटेंगे और ये समय कट जाएगा। मेरे को परेशानी हुई एक दिन, मतलब जब मैं एडमिट हुई थी वो थी 9 जून, और 14 जून को मेरे को सुबह सुबह ड्रीम आया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और ये चीज़ मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर से शेयर करी। मैंने कहा मैं ऐसे किसी को कहना नहीं चाहती, भगवान मेरा सपना सच ना हो, लेकिन पता नहीं आज ऐसे सपना आया है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी बहन ने मुझे मजाक में क्या कहती, तू सपने कम ले, मैंने कहा मैं नहीं लेती, लेकिन मुझे आ रहा है जैसे रिपोर्ट का आया वो सच हो गया,
और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो उसे उन्होंने बताया कि उन्हें लास्ट 3 डेज से फीवर आ रहा है, लेकिन वो चीज़ वो शेयर ही नहीं करते थे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे टेंशन होगी कि मैं अपना ध्यान रखूँ, इसलिए वो मुझे खुद का कुछ भी नहीं बताते थे। और उनको ब्रेक का भी दिक्कत आने लगा। जब मैंने उन्हें सुबह फ़ोन किया कि आप कैसे हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं भी टेस्ट कराने जा रहा हूँ। और वो दिन था संगत जी जो मैं रोई हूँ, पूरा दिन मैं इतना रोई हूँ उस दिन। मैं जानती हूँ मेरे जितने भी नून हैं जो गुरु जी की संगत हैं, मैंने सबको फ़ोन किए, मैंने कहा मेरे पति के लिए आप सब प्रार्थना करो। मेरे कई रिलेटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा गुरु जी को मानते हैं, लेकिन सब ने मुझे बोला कि देख जो सिचुएशन है रोहित पॉजिटिव ही आएंगे, और लेकिन तू भी तो ठीक हो रही है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि वो क्यों आएंगे पॉजिटिव, आप प्लीज़ प्रार्थना करो। हर कोई कह रहा था हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना मन पक्का रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आप प्रार्थना तो करो। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था गुरु जी का कि मेरे पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लिटरली जब मुझे डायरेक्टर सर का मैसेज आया कि रोहित इज नेगेटिव, मेरा मन कर रहा था मैं हॉस्पिटल में नाचूं। मेरा पॉजिटिव आया, मुझे एक बार भी दुख नहीं हुआ। मैं कहा मेरे गुरुजी मुझे संभाल लेंगे, मैं जानती हूँ, मैं इतना अनंत विश्वास है मेरा गुरुजी पे कि अगर वो मुझे किसी सिचुएशन में डाल रहे हैं तो वो ठीक है, वो खुद ही निकालेंगे, मैं नहीं घबराती उस चीज़ से। लेकिन जब बात मेरे पति पे आई तो मैं बहुत परेशान हो गई उस दिन। लेकिन गुरुजी ने उनको नेगेटिव दिया, उनका फीवर ठीक हो गया, उनकी बाकी दिक्कत ठीक हो गई। हाँ उस समय मैंने ये प्रार्थना जरूर करी थी गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे यहाँ पे उनके हिस्से का रोक लेना, लेकिन उनको नेगेटिव ला दो कि वो अपने मम्मी पापा के पास रहे, मेरे मम्मी पापा कैसे अकेले रहेंगे। आप हमारे घर की सिचुएशन समझो कि मैं यहाँ हूँ, अगर मेरे हस्बैंड भी एडमिट हो गए तो कैसे होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे। और शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे वहाँ 5-6 दिन एक्स्ट्रा रख लिया। मेरी 2-3 बार वहाँ पॉजिटिव आई रिपोर्ट, लेकिन मुझे हर उसमें होता था कि ठीक है जो गुरुजी की इच्छा है उनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी 21 जून को वापस जैसे टेस्ट हुआ, मेरी मदर इन लॉ बोलने लगी कि मेरा दिल कह रहा है कि मंडे तुझे छुट्टी मिलेगी कि गुरुजी का दिन होता है। और मैंने किसी दिन भी उनसे नहीं मांगा कि आप मेरे को नेगेटिव दो, मुझे लगता था वो जो दे रहे हैं। लेकिन वो 22 जून संडे को 21 थी, 22 थी मंडे की, तो मम्मी का विश्वास था, मुझे लगा कि मम्मी का मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, उनका दिल बहुत साफ है और मुझे लगता है वो जो मांगती हैं भगवान पूरा भी करते हैं। मुझे लगा कि मम्मी का विश्वास है तो मंडे तो मुझे घर जाना ही जाना है। वो पहला दिन था संगत जी जो मैंने गुरुजी से मांगा कि बस गुरुजी अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव ले आओ, अब पॉजिटिव ना आए। और उस दिन मेरा एक ऐसा टेस्ट होना था जो नए टेस्ट आए थे रैपिड टेस्ट कि जिसकी थोड़ी देर में ही रिपोर्ट आनी थी। क्योंकि जब मेरा पहली बारी वहाँ 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आया पॉजिटिव, मैंने घर पे बताया तो मेरे फादर इन लॉ भी बहुत रोने लगे, मम्मी भी बहुत रोने लगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मेरे जो भी टेस्ट होंगे मैं अपने हस्बैंड को ही बताऊंगी, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, मैं वहाँ ठीक थी मुझे पता है, लेकिन मम्मी पापा यहाँ बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन जब मेरा 22 को टेस्ट होना था तो मैंने सुबह ही अपने हस्बैंड को बताया कि यार टेस्ट होगा। और उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट के बाद जो 2 घंटे लगातार गुरुजी का एकदम बैठ के सत्संग किया, कुछ नहीं सुना, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, मुझे था आज तो गुरुजी से मेरे को मतलब मांगना ही है कि मेरे को आज घर जाना ही है, अब बहुत दिन हो गए हैं। और संगत जी जब टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में, ये होता था अगर आपकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं, नेगेटिव आने पे ही करते हैं। सुबह 10:15 बजे का टेस्ट हुआ, 12 बजे तक रिपोर्ट आनी थी, हमें 1:30 बजे तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। एक लड़की और थी उसका भी हुआ था, वो भी पॉजिटिव आ रही थी, वो आके रोने लगी मेरे पास, तो मैं उसको उल्टा हिम्मत दे रही थी लेकिन मैं वॉशरूम में जाके खुद रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी मैंने सोचा था आज तो आप मेरी सुन लोगे, मैंने आपसे एक बार भी नहीं मांगा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं वॉशरूम से आई और मुझे डॉक्टर का कॉल आता है कि बेटा आपकी नेगेटिव आ गई है, आज हम लोग की मीटिंग चल रही है, आपको शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगा मैं अपनी मदर इन लॉ को सरप्राइज करूँगी लेकिन कि भाई मेरे को आज छुट्टी मिल रही है। और लेकिन हमें डिस्चार्ज मिलते मिलते इतना लेट हो गया कि मम्मी का मेरी रात को मैसेज आता है 9:30 बजे कि बेटा कोई बात नहीं, लगता है अभी गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, 1-2 दिन की बात है,
और उस समय मैं अंदर इतना खुश थी कि मैं एम्बुलेंस में थी और मैं घर पहुंचने वाली थी। मैं चाहती थी उन्होंने जो मेरे लिए सोचा है वो समझे कि आज गुरुजी ने सुन लिया। मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपकी हर कृपा का जो हम पे बनी है, और आपकी ये कृपा मेरे घर पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे, जिस तरह से आपका हाथ हमारे सर पर है हमेशा बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, लव यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।